हेलो स्टूडेंट्स लेट्स द क्वेश्चन क्वेश्चन इज वट इज द मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड तो मॉलिकुलर मास के लिए हमें क्या चाहिए मॉलिकुलर मास के लिए हमें चाहिए एटोमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स जिससे ये मॉलिक्यूल बने हैं तो एटोमिक मासेस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स ये हमें चाहिए सबसे पहले तो कैल्शियम क्लोराइड जो है ना इस कैल्शियम क्लोराइड का हम फॉर्मूला लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड किस किस से बने हैं सी ए कैल्शियम एंड क्लोरीन से बने हैं कैल्शियम का क्या वैलेंसी है टू क्लोरीन का क्या वैलेंसी है वन क्रिस क्रॉस कर दो क्रिस क्रॉस मेथड में आपको क्या मिलेगा सी ए सी एल टू ठीक है वन होता है कैल्शियम के आगे जिसको लिखा नहीं जाता है तो सी ए सी एल टू तो सी ए सी एल टू में आप देख सकते हो कि कितने कैल्शियम का एटॉम है कैल्शियम का एटॉम है एक, वन एंड कितने क्लोरीन के एटोम है क्लोरीन के एटॉम्स है टू ऑल राइट तो यहां आपको बता देते हैं कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है फोर्टी एमयू आपको पता है एमयू इज द यूनिट टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मास राइट क्लोरीन का क्या होता है एक क्लोरीन का मास होता है एटॉमिक मास 35.5 amu बस आपको क्या करना है आप जो फॉर्मूला आपको मिला है उसे देख के आप अभी जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी लगता है करके निकाल लो मोलिकुलर मास तो चलो करते हैं कैल्शियम के लिए हम बस वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही कैल्शियम है एक ही कैल्शियम का एटॉम है तो फोर्टी प्लस क्लोरीन टू एटॉम्स है तो दोनों एटम्स के लिए हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इन टू टू यानि फोर्टी प्लस सेवेंटी वन विच इज इक्वल टू वन 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 एम यू इसमें भी एम यू लिख देते हैं एम यू तो दिस तो इज योर आंसर वन 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 एमयू जो कि है ऑप्शन डी में आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच